नकली ऑयल बनाने वाली फर्जी कंपनी का भंडाफोड़, जिसने लगभग 2,78,00,000 रुपए का माल जब्त कर 3 आरोपी गिरफ्तार। टीकमगढ़ क्षेत्र में दिनांक 28/8/2020 को फरियादी अमित जग्गी निवासी हनुमानगंज भोपाल लांसर रिस्क कंसल्टिंग अधिकारी कैस्ट्रोल आवेदन दिया कि टीकमगढ़ जिले में कुछ लोग हमारी कंपनी के नाम से नकली ऑयल बनाकर बेच रहे हैं। उक्त आवेदन पत्र को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन सागर अनिल शर्मा के निर्देशन में उप पुलिस महानिरीक्षक छतरपुर रेंज छतरपुर विवेक राजा सिंह एवं पुलिस अधीक्षक महोदय टीकमगढ़ प्रशांत खरे के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ एमएल चौरसिया एवं एसडीओपी जतारा योगेंद्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक आरपी चौधरी एवं थाना प्रभारी देहात उप निरीक्षक नसीर फारूकी की छापामार कार्रवाई की गई। उनपे क्या कार्रवाई होगी? ऐसी सूचना मिली तो निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिलने पर निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। सर टीकमगढ़ में लगातार नकली घी दुकानों पर सप्लाई किया जाता है, उस पर अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। तो हमारे पास जो है, आप जो बता रहे हैं ना, ऐसे जिस प्रकार की कई प्रकार की कार्रवाइयां संभव हैं, जो भी सूचनाएं मिले तो हम निश्चित ही उसमें रेड करेंगे। सर ये कार्रवाई पुलिस ने की, एक बड़ी सफलता पुलिस ने, पूरा मामला क्या था, कैसी शिकायत थी, कैसे पूरे ये नकली ऑयल कंपनी चल रही थी, कैसे तक क्या पूरा मामला है? इसमें मैंने बताया ना कि सूचनाएं मेरे पास मुखबिर से आ रही थी, इस प्रकार की गतिविधि टीकमगढ़ शहर में कई जगहों पर चल रही है। तो और दूसरा फिर कैस्ट्रोल कंपनी के मैनेजर भी आए थे, उन्होंने भी एक मीटिंग में शिकायत की और इन शिकायतों को जो है इसके आधार पर भी प्लान बनाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों का इसमें निर्देशन था, आईजी महोदय ने भी मीटिंग ले ली, उन्होंने पूरा उनको गाइड किया था और फिर उसी के आधार पर कल सवेरे ये छापामार कर रहे थे। दो प्रकरण है, पहले प्रकरण में राजेश नागदेव जिसमें आरोपी है, उसमें 12,00,000 रुपए का माल बरामद है और दूसरा जो मामला है जिसमें ओम अग्रवाल और उपेश अग्रवाल आरोपी है, दूसरे मामले में 2,66,94,000 रुपए की बरामद है। तो सर कैश वगैरह भी बरामद हुआ क्या? नहीं, कैश वगैरह देखिए, अभी इसमें प्रारंभिक पूछताछ हुई है, इनको पीआर पे लेके इनकी पूछताछ की जाएगी और जो हमको दस्तावेज मिले हैं उनका भी परीक्षण किया जाएगा, उसके आधार पे ही आगे की ये तय होगी बात कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, इन लोगों को ये बेचते थे, आगे ये अभी विवेचना करके। सर लंबे समय से चल रहा था, बता रहे हैं सालों से चल रहा था, लेकिन सफलता आपको मिली, इसमें सर अभी और कितनी उम्मीद है, इसमें इस ग्रुप में कितने लोग शामिल हो सकते हैं आगे आपकी जो तत्व जुटता है? अभी ये तो विवेचना में आएगा। टीकमगढ़ के अलावा भी सर कोई संलग्न है, ऐसा कुछ है कोई बड़ा बाहर? हम लोग पूछताछ करेंगे, बहुत ज्यादा हमारे पास अभी जानकारी है, अन्य कहीं से कोई इन्वॉल्व है जैसे जिनको उन्होंने बेचा होगा माल या जहाँ से ये लेते थे, वो सब जानकारी अभी अपने सामने आएगी। सर इनके कंप्यूटर वगैरह भी तो होंगे, जब कंप्यूटर वगैरह इनका रिकॉर्ड जो है वो अभी तो नहीं, दस्तावेज मिले हैं हमें, कंप्यूटर वगैरह तो मैनुअल टीकमगढ़ में कुछ स्थानों पे नकली तेल तैयार करके बेचने का काम हो रहा है। नकली तेल यानी जो वाहनों में इस्तेमाल होता है और ये सूचना हमारे पास आ रही थी। इसी प्रकार इसी दौरान अमित जग्गी जो कि रेस्टोरेंट कंपनी के मैनेजर हैं, उन्होंने एक आवेदन दिया था और उन्होंने कुछ स्थान बताए थे कि यहाँ पर जो है इस पर कार्रवाई करना है, ये नकली ऑयल बेच रहे हैं और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के भी निर्देश थे, उनके पास भी सूचना थी। आईजी महोदय ने एक मीटिंग भी ली थी परसों और उसमें उन्होंने निर्देशित किया था सबको कि इसमें त्वरित कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में कल सवेरे लगभग 6:30 बजे हमारी टीमें तैयार थी और हम लोगों ने इसमें छापामार कार्रवाई की। टीमों में कोतवाली डीआई की एक टीम और एक देहात थाना प्रभारी की टीम, ये उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सबसे पहले राजेश नामदेव का चक्रा स्थित जो निवास है वहां की सूचना थी और वहां सवेरे पहुंच के वहां कार्रवाई की और वहां काफी मात्रा में हमें नकली ऑयल तैयार करने का सामान और तैयार नकली ऑयल मिला।
मैं वो सामग्री आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर कैस्ट्रॉल आयल के 33 कार्टून, एक कार्टून में 20 डब्बे होते हैं, इस प्रकार 660 डब्बे हमको मिले। लाल रंग के 2550 ढक्कन, काले रंग के 1050 ढक्कन, तीन प्लास्टिक की आधी आधी आयल से भरी हुई 50-50 लीटर की नीले रंग की गेंद, कैस्ट्रॉल आयल के स्लेटी रंग के 440 खाली डब्बे, एक मैरून रंग का भरा हुआ डब्बा, 170 बार कोड स्टिकर, 110 कैस्ट्रॉल आयल कंपनी के स्टिकर, एक डब्बे से तेल निकालने की मशीन, एक प्लास्टिक का हरे रंग का पाइप, तीन लोहे की खाली ड्रम, एक ड्रायर, एक प्रेस, एक ग्राइंडर, एक आधा कटा हुआ ड्रम, एक बोरे में कैस्ट्रॉल आयल के भरे हुए 40 डिब्बे, और ये सारा सामान वहां मिला। और पूरे सामान जो मशीन है जो इसमें उपकरण प्रयोग में आते हैं और तैयार माल भी वहां मिला, मैं आपको उसकी सूची भर के बता रहा हूँ। यहाँ 26 आयल भरे हुए ड्रम, 71 खाली ड्रम, 7 आधे कटे, 3800 डब्बे भरे हुए, 12500 डब्बे खाली, एक केन 20 लीटर की, 10 लीटर की 30 केन, 5 लीटर की 704 केन, 25 लीटर की 100 बाल्टियां, 20 लीटर की 140 बाल्टी, 10 लीटर की 250 बाल्टियां, 5 लीटर की 336 बाल्टियां, 6600 ढक्कन, 19500 बड़े स्टीकर, 15000 गोल स्टीकर छोटे, चार ड्रम से आय बाहर निकालने वाली मशीन है पंप, चार प्रेस, तीन कटिंग मशीन है, एक कलर डिब्बा। ये सभी सामान जो था इसको काउंट करने में काफी समय लग गया, पर पूरी काउंटिंग करने के बाद इसका फिर परीक्षण जांच अधिकारी जो कैस्ट्रॉल कंपनी के जिन्होंने शिकायत की थी उनको दिखाया गया पूरा सामान, उन्होंने बताया पूरा नकली तैयार हो रहा है और लोगों को झांसा देकर ये इस प्रकार का सामान जो है बेचते हैं, हूबहू ओरिजिनल उसको बना के और दिखाते हैं और फिर उसके बाद उसको मनमाना मुनाफा कमाते हैं। ऐसा उन्होंने इसमें बताया कि ये बिल्कुल नकली कारोबार है, आरोप इसमें सिद्ध पाया गया इनके ऊपर और इसको ओम अग्रवाल और भूपेश अग्रवाल के घटना पंजीबद्ध कर और उनको गिरफ्तार कर लिया गया।